मन सदा आधार खोजता है। मेरे पास लोग आते हैं और मैं उनसे कहता हूँ आंखें बंद करके मौन बैठो और कुछ भी मत करो, और वो कहते हैं हमें कोई माला दो, सहारा दो, सहारा के लिए कोई मंत्र दो, क्योंकि हम खाली बैठ नहीं सकते, खाली बैठना कठिन है। यदि मैं उनसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें मंत्र दे दूँ तो ठीक है, तब वो बहुत खुश होते, वे उसे दोहराते रहते, सब सरल है, आधार के रहते तुम कभी रिक्तता नहीं हो सकते। यही कारण है कि वो सरल है, कुछ ना कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास करने के लिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। करते रहने से कर्ता बना रहता, करते रहने से तुम भरे रहते हो, चाहे तुम ओंकार से भरे हो, ओम से भरे हो, या राम से भरे हो, जीसस से, किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से भरे हो, लेकिन तुम भरे हो तब तुम ठीक रहते हो। मन खालीपन का विरोध करता, वह सदा किसी चीज से भरा रहना चाहता, क्योंकि जब तक वह भरा है तब तक चल सकता, यदि वह रिक्त हुआ तो समाप्त हो जाएगा। रिक्तता में तुम अमन को उपलब्ध हो जाओगे। यही कारण है कि मन आधार को खोजता है। यदि तुम अंतराकाश इनर स्पेस में प्रवेश करना चाहते हो तो आधार मत खोजो। सब सहारे मंत्र शास्त्र जो भी तुम्हारे सहारा देता है वह सब छोड़ दो। यदि तुम ही लगे रहो कि किसी चीज से तुम्हारा सहारा मिल रहा है तो उसे छोड़ दो और भीतर आ जाओ। आधारहीन ये भयपूर्ण होगा, तुम भयभीत होगे। तुम वहां जा रहे हो जहां तुम पूरी तरह खो सकते, हो सकता तुम आपस ही ना आओ, क्योंकि वहां सब सहारे खो जाएंगे, किनारे से तुम्हारा संपर्क छूट जाएगा और नदी तुम्हें कहीं और ले जाएगा। किसी को पता नहीं तुम्हारा आधार खोज सकता है, तुम एक अनंत खाई में गिर सकते हो, इसलिए तुम्हें भय पकड़ता है और तुम आधार खोजने लगते हो, चाहे वह झूठा ही आधार क्यों ना हो, तुम्हें उससे राहत मिलते हैं। झूठा आधार भी मदद देता है, क्योंकि मन का कोई अंतर नहीं पड़ता कि आधार झूठा है या सच्चा है, कोई आधार होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो ऐसे घर में रहता था जहाँ उसे लगता था कि भूत प्रेत है, और वो बहुत चिंतित था। चिंता के कारण उसका भ्रम बढ़ने लगा, चिंता से वह बीमार पड़ गया, कमजोर हो गया। उसके पत्नी ने कहा यदि तुम इस घर में जड़ा रुको तो मैं तो रह रहे हूँ। उसके बच्चे के एक समधी के घर भेजना पड़ा। वो आदमी मेरे पास आया और बोला अब तो बहुत मुश्किल हो गया, मैं उन्हें साफ साफ देखता हूँ, रात में भूत चलते रहते हैं, पूरा घर भूतों से भरा हुआ, आप मेरी मदद करें। तो मैंने उसे अपना एक चित्र दिया और कहा इसे ले जाओ, अब इन भूतों से मैं निपट लूँगा, तुम बस आराम करो और सो जाओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, उनसे मैं निपट लूँगा, उन्हीं मैं देख लूँगा, अब ये मेरा काम है और तुम बीच में मत आना जब तुम्हें चिंता नहीं करनी है। वो अगले दिन आया और बोला बड़ी राहत मिली, मैं चैन से सोया, आपने तो चमत्कार कर दिया, और मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस एक आधार दिया। आधार से मन भर जाता है, वह खाली ना रहे वहाँ कोई उसके साथ था। सामान्यतः जीवन में तुम कई झूठे सहारा को पकड़े रहते हो पर वे मदद करते हैं। जब तक तुम स्वयं शक्तिशाली ना हो जाओ तुम्हें उनकी जरूरत रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये परम विधि है, कोई आधार नहीं। बुद्ध के अंतिम समय पर थे और आनंद उससे पूछा आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम कैसे उपलब्ध होंगे, जब आप ही चले जाएंगे तो हम जन्मों जन्मों के अंधकार में भटकते रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, प्रकाश तो विदा हो रहा। तो गौतम बुद्ध ने कहा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम अपना प्रकाश स्वयं बनोगे, अकेले चलो, कोई सहारा मत खोजो, क्योंकि सहारा ही अंतिम बाधा है। और ऐसा ही हुआ, आनंद बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ था, 40 वर्ष से वह गौतम बुद्ध के साथ था, वह निकटतम शिष्य था, गौतम बुद्ध की छाया की भांति था, उनके साथ चलता था, उनके साथ रहता था, उनका गौतम बुद्ध के साथ सबसे लंबा समय था। 40 वर्ष तक गौतम बुद्ध की करुणा उस पर बरसती रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, आनंद को सदा भारतीय अज्ञानी रहा। और जिस दिन गौतम बुद्ध ने शरीर छोड़ा उसके दूसरे दिन ही आनंद बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, दूसरे ही दिन। वो आधार ही बाधा था, जब गौतम बुद्ध ना रहे तो आनंद कोई आधार ना खोज सका, वह कठिन था। यदि तुम किसी गौतम बुद्ध के साथ रहो और बुद्ध चला जाए तो कोई भी तुम्हें सहारा नहीं दे सकता, अब कोई भी ऐसा नहीं कहेगा जिसे तुम पकड़ सकोगे। जिसने किसी बुद्ध को पकड़ लिया वह संसार में किसी और को पकड़ पाएगा, ये पूरा संसार खाली होगा। एक बार तुमने किसी बुद्ध के प्रेम और करुणा को जान लिया
तो कोई प्रेम कोई करुणा उसकी तुलना नहीं कर सकती। एक बार तुमने उसकी स्वाद ले लिया तो कुछ भी स्वाद लेने जैसा ना रहा। तो 40 वर्ष में पहली बार आनंद अकेला हुआ। किसी भी सहारा को खोजने का कोई उपाय नहीं था, उसने परम सहारे को जाना था। अब छोटे छोटे सहारा किसी काम के नहीं। दूसरे ही दिन वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। वह निश्चित ही आधारहीन स्वास्थ्य अंतरकाश में प्रवेश कर गया होगा। तो स्मरण रखो, कोई सहारा खोजने का प्रयास मत करो, आधारहीन हो जाना। यदि इस विधि को कहने का प्रयास कर रहे तो आधारहीन हो जाओ।